अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां जोरों पर है और इस बीच स्कैमर्स भी एक्टिव हो गए हैं और वह इस मौके पर नगद फायदा उठाकर आम लोगों की मेहनत की कमाई लूटने की कोशिश में है। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की फर्जी VIP फेक VIP इन्वाइट्स का लालच देकर ये ऑनलाइन फ्रॉड नया तरीका खोज लाए हैं। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक बहुत सारे व्हाट्सएप यूजर्स को राम जन्मभूमि ग्रीषम पार्क अभियान APK नाम की एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन पैकेज फाइल मिलनी शुरू हो गई है। लोगों को उनके एंड्रॉइड फोन में इस फाइल को इंस्टॉल करके राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का VIP एक्सेस मिलने की बात कही जा रही है। इसके अलावा मैसेज में लोगों से यह फाइल ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करने को भी कहा जा रहा है। बता दें कि फिलहाल रिपोर्ट में यह जिक्र नहीं किया गया है कि असल में यह APK फाइल करती क्या है। हालांकि उम्मीद है कि इसमें स्पाईवेयर हो सकते हैं जो इंस्टॉल होने पर यूजर के स्मार्टफोन को हैक कर डेटा चुरा सकते हैं। रियल टाइम लोकेशन एक्सेस करने से लेकर फाइनेंशियल फ्रॉड तक यह सिंगल ऐप आपके स्मार्टफोन का कंट्रोल आप से लेकर कंटेंट प्राइवेट फोटोज और वीडियोस तक चुरा सकते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि ना तो राम मंदिर ट्रस्ट और ना ही केंद्र व राज्य सरकार ने VIP इनवाइट के लिए किसी तरह का कोई ऐप लॉन्च किया है। बता दें कि व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड फाइल में मिल रहा ऐप एक है और इससे डेटा चोरी के साथ साथ पैसों का नुकसान भी हो सकता है। एंड्रॉइड स्मार्टफोन के लिए इस तरह की APK फाइल एक बड़ी समस्या है। हालांकि आईफोन यूजर्स को इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आईफोन में यूजर्स को साइड लोड ऐप डाउनलोड करने की इजाजत नहीं होती।